नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में इस वक्त मॉनसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि मॉनसून उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण आज देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्व और दक्षिण राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज हल्की से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही IMD ने कहा था कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के उत्तरी हिस्सों, उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, हरियाणा, सिक्किम, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में 5 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की आशंका है। तो वहीं हिमाचल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी संभव है और इसी वजह से यहां आंधी और गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आ सकती है। तो वहीं आज फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, नागौर, रेवाड़ी, सीकर में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका है, जबकि बलांगी, बालेश्वर, बड़गढ़, बाद, भद्रक, कटक, देवागढ़, ढेंकनाल, गजपति, गंजम, जगतसिंहपुर, जाजापुर में अगले 12 से 18 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल में भारी बारिश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।